बहुत ही अच्छा, मतलब सलमान जी ने काफी अच्छा वर्क किया है। जितनी भी सलमान खान ने मूवीज की है ना, ये सबसे बेस्ट मूवी है। बहुत अच्छी मूवी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। एज अ मूवी इट इज गोना चेंज एवरीबॉडीज लाइफ, सो आई थिंक वी एवरीवन शुड वॉच इट एटलीस्ट वंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता। सलमान खान कैटरीना कैफ की फिल्म भारत रिलीज हो गई है और रिलीज होते ही फिल्म ने हर किसी का दिल जीत लिया है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ क्रिटिक्स ने इस फिल्म को थम्स अप दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की। वहीं अब लीजिए, दर्शकों ने भी सलमान की फिल्म भारत को अभी से ब्लॉकबस्टर बता डाला है। तो चलिए, इंतजार किस बात का, अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही दिलचस्प ट्वीट। भारत रिव्यू, सलमान खान इज सिंपली अमेजिंग इन हैश भारत, ही विल मेक यू लाफ, मेक यू क्राई विद वन ऑफ हिज करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस। It's a treat for his fans at Alia Bhatt Zafar, take you on a beautiful journey, a must watch and a perfect way to say at Eid Mubarak. One word review, hash Bharat review, outstanding, rating 4.5 stars. It's a masterpiece movie, mass acting by Salman Khan. Disha Patnaik is good and Katrina Kaif brilliant. Don't miss hash Bharat. Absolute gem of a movie. Bharat is the best movie of Salman Khan till date alongside Bajrangi. This one is huge. Expect a havoc at box office. 4.5 stars out of 5. Bharat review. This time Salman delivers finally. Hash Bharat review. One more blockbuster from at being Salman Khan and Alia Bhatt Zafar. Outstanding. Some scenes I give you goosebumps. Sure, create history on box office. Bharat blockbuster hash Bharat review out of 5 at Alia Bhatt Zafar and producers at Atul Real Life and at Nikhil Namit have outdone themselves to weave history with emotions, drama and action. At Katrina Kaif looks stunning, a true Indian beauty. At being Salman Khan sir, as usual, one man army. तो देखा आपने, भारत को लेकर फैंस ने शानदार रिएक्शंस दिए हैं। बता दें कि भारत को देश के अलावा विदेशों में भी बड़े लेवल पर रिलीज किया गया। यूएई में ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी रिलीज बनी और इसे यहाँ 121 लोकेशंस पर रिलीज किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को 75 लोकेशंस पर रिलीज किया गया। वहीं इसे 70 देशों में करीब 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। अलिया भट्ट जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को मिल रहे रेस्पॉन्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। वैसे अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा तो आप अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको सलमान की भारत कैसी लगी। सलमान खान की लग रही है, उन्होंने कमेंट भी किया था ना कि उनकी एज ज़्यादा लग रही है, तो दिशा पटनी की वो बहुत यंग लग रहे हैं सलमान खान, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। गाना पसंद आया? अच्छे, सभी गाने अच्छे, स्लो मोशन में वो गाना बहुत अच्छा है। आप मानते हैं आपका फुल पैसा वसूल है? हाँ। कितने स्टार देंगे आप? 5 out of 5। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हेलो, कैसी लगी आपको ये मूवी भारत? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप सलमान खान की फैन है? हाँ। तो सलमान खान की एक्टिंग पसंद आई आपको? बहुत अच्छी। कोई गाना, कोई डायलॉग पसंद आया आपको सलमान खान की फिल्म? हाँ। कौन सा वाला? सब पसंद है, सारे अच्छे थे। एंड इसके अलावा कटरीना कैफ भी है। हाँ। तो और सुनील ग्रोवर भी है, तो उनकी एक्टिंग पसंद आई? बहुत अच्छी लगी। इन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सुनील ग्रोवर, सलमान खान, आप उनकी फिल्म देख कर? सलमान खान के बारे में? हाँ। हाँ। क्या बोलेंगे आप सलमान खान को? कि वो मेरे फेवरेट एक्टर है और मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है और उनका बर्थडे 27 दिसंबर को आता है। क्या बात है, ईद है आज, तो आप सलमान को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हैप्पी ईद सलमान। और कितने स्टार दोगे आप 5 में से? बहुत। ओके, तो आपको कौन सा पसंद है? सब अच्छा लगा। सब अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम आप बताइए आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। या सलमान खान कटरीना कैफ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, नाइस, अच्छी है।
दिल ग्रोवर भी हैं। हाँ उनकी भी अच्छी है, वैसे कॉमेडी है, अच्छी है मूवी, ठीक है। आप मानती हैं कि आपका जो पैसा था वो फुल पैसा हुआ? या फुल। डायरेक्शन कितना बांध के रखा, कितना पसंद आया? डायरेक्शन तो 5 में से 5 है। 5 में से 5। कोई गाना पसंद है? ऑलवेज। थैंक यू जी। ओके। हर दूसरे मोमेंट में सलमान कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, तो ये हजम नहीं होता यार। वी आर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, लाइक उसकी स्टडी नहीं दिखाई, दे आर लाइक उसने कोई स्टडी नहीं की है सलमान ने, बचपन से उसको ऐसा दिखाया कि लेबर वर्क कर रहा है, सडनली यू आर बिकमिंग एनीथिंग। Awesome. She is really awesome. Good. Do you like any song in the movie? All songs are really good. Which one? Your favorite? Salman and her song, Aakho Ke Ocean Mein. Okay. That was, and the Disha Patni song is also really awesome. And what about Sunil Grover? Wow. He took the movie. All movie he took it. Means you didn't like your direction? I can't say the direction also. The story, script is really, really poor. Everything was good if script was good. Like I was expecting Bajrangi Bhaijaan again. But film dekhte hue, jab last moment dekhte ho, aap Hindustan Pakistan ka reunion karwa rahe the, jo the interviews karwa rahe the, us time pe aap Bajrangi Bhaijaan ko yaad karne chale jaate, puri film aapko review ho jati hai. I think he has to do something else because it's a different Eid. It's not the same concept, na? आप ईद पे रिलीज कर रहे हो तो हर टाइम वही कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आएगा तो आई थिंक आउट ऑफ 5 स्टार फॉर द स्क्रिप्ट 1 एंड फॉर द एक्टिंग 3। थैंक यू सो मच। बोला ना बात मतलब देखिए नहीं अभी जा रहे हैं। अच्छा जस्ट गोइंग। अरे फिल्म काफी अच्छी है, एंटरटेनिंग है और ऑब्वियसली सलमान खान है तो सलमान मतलब किसी भी एज में दिखाया जाए, अभी इसमें ओल्ड एज में दिखाए गए, बट ही इज़ माई फेवरेट एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन फिल्म। यस। कैटरीना कैफ वॉज ऑल्सो गुड, मीन्स लाइक जो एज ग्रुप उनको दिया है या जो कैरेक्टर्स उनको दिए गए हैं तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाए हैं। सुनील ग्रोवर वॉज ऑसम। स्लो मोशन सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी स्टोरी अच्छी है, कुछ चीज़ें ऐसे लगती है कुछ जगह पे कि लेंदी हो रही है, बट ऑब्वियसली सलमान खान है तो उस वजह से वो नहीं इतना मैटर करता है। दिशा पटनी का वो गाना स्लो मोशन सॉन्ग, मैंने अभी जैसे बताया कि स्लो मोशन सॉन्ग इज़ माई फेवरेट, तो वो सॉन्ग मुझे अच्छा लगा। बाकी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें यही लगी जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक बेटे ने अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस निभाने के लिए ही गेव हिज होल लाइफ, सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा टच कर गई एंड आई विल गिव 4 स्टार आउट ऑफ 5। तब्बू उनका तो गेस्ट अपीयरेंस था तो उतना मतलब जिनको जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं तो सभी आर्टिस्ट ने अपना 100% देने की कोशिश ऑब्वियसली की है, बट मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिंग गुलाटी की जो है उनकी मुझे ज़्यादा पसंद है। आई विल गिव 4 स्टार। ओके। बहुत ही ज़बरदस्त, सबको सबसे पहले ईद मुबारक, और ईद के मौके पे इससे बेहतरीन ईद ही नहीं मिल सकती थी। आई थिंक बहुत अच्छी लगी। ही इज़ रिमार्केबल एज ऑलवेज। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी स्टोरी, एक इंसान की 80 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स की पूरी जर्नी को डिपिक्ट किया है, प्लस म्यूज़िक बहुत अच्छा है मूवी का, स्क्रीन प्ले सब पे ध्यान रखा गया है, कहीं भी यू नो आप बोर नहीं होंगे। कैटरीना कैफ आई थिंक शी इज़ इम्प्रूविंग विद ईच एंड एवरी मूवी, तो इसमें भी जो इमोशनल सीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी बहुत अच्छी है, जितने भी उनकी कॉमेडी पंचेस हैं वो एंटरटेनिंग बनाते हैं मूवी को और ज़्यादा। गाने 2-3 मुझे बहुत अच्छे लगे, इत्या गाना बहुत अच्छा है, फिलिक स्लो मोशन जिसमें दिशा पटानी है एंड शी लुक्स सो सेंशियस इन दैट सॉन्ग, एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग चाशनी जिसमें बहुत ही अच्छी रोमांटिक केमिस्ट्री है सलमान खान और कैटरीना की, तो ओवरऑल अच्छा पैकेज है ईद के मौके पे। आई थिंक पीपल बिकॉज इट हैज़ इमोशंस, इट हैज़ एंटरटेनमेंट, इट इज़ वेरी इन्जॉयबल, तो पूरे सब इंग्रेडिएंट्स है एक हिट मूवी के। दिशा पटनी का जितना भी काम है, तब्बू का जी वो आपको बहुत अच्छा, छोटे छोटे किरदार हैं, बाकी कैरेक्टर रोल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स, कुमोद मिश्रा
और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने, सोनाली कुलकर्णी ने एक बुजुर्ग महिला का रोल निभाया। तो ओवरऑल आई थिंक यही है कि यू नो सब फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक अच्छी मूवी बन सकती है। तो जैसे सलमान ने कहा था कि इसमें सब इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वाकई यू नो इट्स अ वेरी गुड पैकेज। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पैसा वसूल। तो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, एडिटिंग पे ध्यान रखा कि ज़्यादा कोई पोर्शन को स्ट्रेच नहीं किया, तो उस तरह से बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं। तो आई थिंक पेट्रियाटिज़म जो है वो फैक्टर को बहुत यू नो बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत इमोशनल हो गए लोग। डायलॉग्स भी ठीक है, लेकिन मुझे गाने बहुत अच्छे लगे सारे। 4 स्टार्स।